बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं भिंडी और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको पसंद आए। और इस वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि वीडियो देख बहुत रोक रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी तैयार करते हैं इसको। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी जी काटे आप भी। भिंडी तैयार हो चुकी है कट के। भिंडी हमने काट दी। प्याज बारीक बारीक काट लेंगे। बारीक प्याज काटना है बस। प्याज कट गया। रहमान रहीम। टमाटर काट लेंगे। पतले पतले से करके टमाटर काटने हैं। और वो एक बार मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, टमाटर काट चुके हैं। टमाटर सारे मैंने काट लिए। टमाटर सारे मैंने काट लिए हैं। ठीक हो गया। इनको यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब एक मिनट ठहरे। हाँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मिर्चें काट लेंगे। इस तरह छोटी छोटी करके मिर्चें काट लेनी है बस। मिर्ची हमारी कट चुकी हैं। मिर्चें मैंने ज़्यादा ली हैं, ये देखें आप पास में जायका ले सकते हैं। मैंने मिर्चियाँ ज़्यादा ली हैं क्योंकि मैं मिर्चें थोड़ी ज़्यादा खाता हूँ। ठीक है, अभी आपको बताते हैं पकाने का तरीका। इसमें इसको छोटा छोटा काट लेना है। यूँ पतला पतला काट लेना है, कूटना नहीं है इसको। ठीक है, ओके। ये लहसुन हमारा कट चुका है, देख रहे हैं। ठीक है, इसको साफ कर लेना। यूं काट लीजिएगा इसका। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पतली पतली काटनी, बिल्कुल बारीक बारीक। ठीक हो गया। तेल ले लेंगे इसमें दो चम्मच। ये डाल लेंगे इसके अंदर। देखें प्याज हल्का सा ब्राउन हो रहा है, देख रहे हैं आप। प्याज हल्का सा नरम हुआ है, उसके साथ हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अदरक और लहसुन। अब इसको भी उसके साथ मिला देंगे। प्याज अच्छे तरीके से पक चुका है और अदरक और लहसुन भी। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाह। टमाटर को अच्छे तरीके से पका देंगे। मिर्चें नहीं डालेंगे और इसमें मिर्च और नमक जो है अभी नहीं डालना, याद रखिएगा। नमक और मिर्च अभी नहीं डालेंगे। Thank you.
इस तरीके से सेब आपने काट लेना है, ठीक है, छोटा काट लेना है सेब को, एक एक सेब। टमाटर अच्छे तरीके से पक चुका है, ठीक है, अब हम इसमें मिलाने लगे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भिंडी, इसमें लाल मिर्च नहीं है, लाल मिर्च या कोई मसाला नहीं, बिल्कुल सादे तरीके से पकाएंगे हम इसको, सिर्फ यूं फ्राई करेंगे, ठीक है। और ये अच्छा, अभी इसमें मिर्चें डाल लेनी है आप, ठीक हो गया, और नमक हसबे जायका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भिंडी तकरीबन पक चुकी है, अब हम इसके अंदर सेब ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सेब का ज़बरदस्त किस्म का जायका आएगा, आप देखिएगा ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त जायका होगा सेब। धनिया और ये पुदीना है, इनके अंदर काट के थोड़ा सा स्टॉक करें आप इसी जगह, तैयार हो चुकी, बिल्कुल देख रहे हैं भिंडी हमारी तैयार हो चुकी है, बिल्कुल रेडी है, और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया और ये मसाला दही, धनिया और मसाला ऐड करने के बाद थोड़ा सा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ठीक हो गया, चले ये देख लिया आपने। अच्छा, दही को जो है ना सिर्फ इसमें मिक्स करना है, बस अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना दही, बस बिल्कुल गल चुका है, कैसा है बताओ, खा के तो देखो पहले, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही मजेदार। वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।